हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रोफेसर नानेश्वर कोरे। लास्ट पे वीडियोस में मतलब लास्ट वीडियोस में हमने बेसिक डेरिवेटिव्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। आज इस वीडियो में हम बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ऊपर कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं या कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को ये देखने वाले। देखो तो सिंपल एग्जाम्पल्स ऑन डेरिवेटिव्स। इफ वाई प्लस यू बहुत एक फंक्शन है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, देखो यहाँ पे चार फंक्शन से लगे और एडिशन में दिख रहे, ठीक है। तो हमने रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ा था, अगर आपके दो या दो से ज्यादा फंक्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, सो कॉमन डेरिवेटिव है, तो हम लोग उसको सेपरेट डेरिवेटिव दे सकते हैं। सेपरेट डेरिवेटिव देना है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स क्यू, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, ठीक है। हमने सेपरेट डेरिवेटिव दिया। अब देखो डेरिवेटिव का बेसिक रिजल्ट था हमारा, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स टू यन, मतलब वेरिएबल रेस को कॉन्स्टेंट, ठीक है। एन यानी वो जो पावर है साइड लेना इसको और पावर एक से घटाना, ठीक है। मतलब एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तब देखो यहाँ पे ये रिजल्ट यूज होगा। एक्स क्यू दिख रहा है यहाँ पे, वेरिएबल रेस टू कॉन्स्टेंट है, सो वी हैव टू यूज एक्स रेस टू एन वाला करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे एन कितना दिख रहा है, थ्री साइड पे लेना है, पावर एक साइड लेना और एक से घटाना है, मतलब थ्री माइनस वन कितना मिलेगा टू, ठीक है। एक्स का कुछ भी पावर रहने दो भाई, तो साइड में लेना है, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे थ्री पावर एक्स से कम करना, मतलब थ्री माइनस वन कितना होता है टू। सिमिलरली अगर देखो सेम रिजल्ट यूज करना है यहाँ पे, टू पावर एज इट इज साइड में लिया, एक से कम किया, मतलब पावर कितना हो जाएगा वन, मतलब पावर नहीं लिखते, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे एक्स है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता है वन, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। अरे यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म है, मतलब जिसमें एक्स नहीं है वो कांस्टेंट टर्म बन गया। अभी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, ठीक है। कौन कौन से रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव के यानी कांस्टेंट जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे तीन रिजल्ट यूज हुए, देखो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव है एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, ठीक है। आपका डेरिवेटिव बन रहा है यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन टू, सो दिस इज डिवाइड बाय एक्स, समझ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, दो या दो से ज्यादा फंक्शन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, तो आप लोग उसको सेपरेट डेरिवेटिव दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले दो रिजल्ट में ये वाला रिजल्ट यूज किया है, एक्स रेस टू एन वाला रिजल्ट, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, थर्ड वाला जो है एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल फार्मूला बेसिक है, इसलिए बहुत सिंपल है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स देखो, थ्री एस टू एक्स माइनस एक्स रेस टू थ्री प्लस थ्री एस टू, देखो थ्री एस टू एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस थ्री एस टू थ्री, फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। पहले नीचे भी आपको डेरिवेटिव देना है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन यानी थ्री एस टू एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस थ्री एस टू थ्री, कॉमन डेरिवेटिव देना है, ठीक है। अगर फंक्शन आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो आप लोग उसको सेपरेट डेरिवेटिव दे सकते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एस टू एक्स फर्स्ट फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स क्यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एस टू थ्री, ठीक है। सेपरेट डेरिवेटिव दिया। तो देखो और एक रिजल्ट है डेरिवेटिव का, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स यानी कॉन्स्टेंट रेस टू वेरिएबल ए रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, कॉन्स्टेंट रेस टू वेरिएबल है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे देखो ये मतलब कितना है थ्री है, सो थ्री रेस टू एक्स यानी कॉन्स्टेंट रेस टू वेरिएबल है, तो ये रिजल्ट आप लोग यूज कर सकते हैं। अब ए इज थ्री है, सो थ्री रेस टू एक्स इंटू लॉग थ्री, रिजल्ट
ठीक है, ये तो हमारा अभी अभी हुआ था x रेस्ट n वाला रिजल्ट। क्या करेंगे यहाँ पे, पावर साइड में लेना है 3, x से घटाना है मतलब 2 बन जाएगा, प्लस अगर 3 रेस्ट 3 है, कांस्टेंट रेस्ट कांस्टेंट है भाई, होल फंक्शन से कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है, सबके फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पे 3 रेस्ट x * log 3 - 3x पे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है, ये सबका ये सर। और एक रिजल्ट याद रखना यहाँ पे, a रेस्ट x का डेरिवेटिव होता है a रेस्ट x * log a। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टर्म आ रहा है तो कांस्टेंट वेरिएबल के बाहर रखना है, जो भी वेरिएबल टर्म है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, याद रखो। और कांस्टेंट अकेला आता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो रहेगा, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ आता है तो उसको बाहर रखना है, तो वेरिएबल का डेरिवेटिव क्योंकि यहाँ पे जैसे कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा ए एक्स स्क्वायर, इसमें एक टर्म कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल टर्म है एक्स स्क्वायर, ठीक है, पावर साइड में लेना है 2, पावर एक्स से घटाना है मतलब एक्स रेस्ट 1 हो गया, टू एक्स ही घटता है, बी इंटू एक्स का डेरिवेटिव इंटरेस्ट एक्स क्या होता है 1, प्लस अगर सी देखो कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, इसका डेरिवेटिव बन रहा है यहाँ पे 2ax प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ बी फंक्शन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ई रेस्ट टू एक्स सबके फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पे e रेस्ट x प्लस e इनटू x रेस्ट e माइनस 1, ठीक है, e रेस्ट x का डेरिवेटिव e रेस्ट x होता है, यहाँ पे x रेस्ट n वाला फार्मूला n x रेस्ट n माइनस 1, ये कांस्टेंट टर्म इसका डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखो, a sin x माइनस b cos x, साइन कॉस आएगा पीछे भी कॉमन डेरिवेटिव देना a साइन x माइनस b कॉस x, ठीक है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर रखना है, फंक्शन को डेरिवेटिव देना, मतलब a कांस्टेंट है इसको बाहर रखना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, अगेन b कांस्टेंट है साइन को बाहर रखो d / dx ऑफ cos x, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिफरेंस है a इनटू साइन का डेरिवेटिव होता है cos, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव cos माइनस b इनटू cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो क्या बनेगा ए कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर रखना है, जैसे मैंने ए को बाहर रखा डेरिवेटिव साइन का है, यहाँ पे बी कांस्टेंट है साइन में कॉस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सबका डेरिवेटिव बन जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखो, log x
माइनस टू बाय एक्स। देखो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, थ्री लॉन्ग एक्स माइनस टू बाय एक्स, नीचे कॉमन वैल्यू देना है आपको थ्री लॉन्ग एक्स माइनस टू बाय एक्स। देखो कॉन्स्टेंट यहाँ पे थ्री बाहर रखना है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेके हम लॉग एक्स माइनस के टू कॉन्स्टेंट है बाहर रखना है डी बाई डी एक्स और वन बाय एक्स। ठीक है, सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है भाई वन बाय एक्स, हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स माइनस टू इंटू, ये रिजल्ट बताया था मैंने आपको, वन बाय एक्स का रिजल्ट डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सो आपका डेरिवेटिव बन रहा है यहाँ पे थ्री बाय एक्स माइनस माइनस प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना आपको लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कुछ समस्या एक्स प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वहां पे सिंप्लीफिकेशन कर लो, बाद में डिफरेंस करना है। ठीक है, और देखो इसको ए मतलब रूट एक्स बना है यहाँ पे, बी मतलब वन बाय रूट एक्स बना है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स व्हाट रूट एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए मीन्स रूट एक्स, बी मीन्स वन बाय रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन बाय रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, रूट का स्क्वायर करेंगे आप लोग कैंसिल हो जाएगा मतलब एक्स बचेगा, यहाँ पर देखो रूट एक्स तो कैंसिल हो रहा है टू बचना है, वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स का, नाउ डिफरेंशिएट, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिवाइड बाय डीएक्स प्लस टू, देखो डी बाय डीएक्स ऑफ, ठीक है मैं डायरेक्टली शेयर डायरेक्टली देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू का डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो एक्स का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये वन होता है। ठीक है, ये टू तो कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जीरो, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपका डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पे वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस के होल स्क्वायर क्यूब है, तो आप इसको एक्सपांड करके बाद में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और देखो y इक्वल टू इसको ऐसा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, जो भी प्रोडक्ट में है। ठीक है, अब इसको मैं इसमें सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर है, एक्सपेंशन लेना है आपको ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी अरे फोर एक्स प्लस बी स्क्वायर अरे टू स्क्वायर फोर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से हम अंदर मल्टीप्लाई करके लेना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर फोर बनता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू फोर एक्स कितना बनेगा फोर एक्स क्यू, और एक्स स्क्वायर इंटू फोर कितना होगा फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिवाइड बाय डीएक्स प्लस टू, देखो मैं डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फोर एंड फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे देखो फोर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस अगेन फोर कॉन्स्टेंट है बाहर वेरिएबल टर्म का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, देखो एक्स रेस टू एन वाला रिजल्ट आएगा यहाँ पे, क्या होता है एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, सो फोर एक्स क्यूब बनेगा माइनस फोर इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर साइड में लेना है एक्स से लगाना है, सो थ्री एक्स स्क्वायर बनेगा फोर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होता है। ठीक है, सो क्या बनता है फोर एक्स क्यू माइनस फोर थ्री जार ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स। ठीक है, जहां पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल वहां पे सिंप्लीफिकेशन लो, बाद में डिफरेंशिएट। ठीक है, ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स है, आगे के जो भी प्रॉब्लम्स है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, आज यहाँ पे मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।